अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप सो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप सब लोग। ऑलवेज अपोलोजाइज कि मैं बीच में से कुछ दिन छुट जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, तो जीआईटी सर्जरी में हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अब हमने अगला नया जो यूनिट स्टार्ट करें जीआईटी सर्जरी में, दैट इज अबाउट लिवर। मैं आपको पहले बता दूं कि ये इसलिए अभी जो आज का टॉपिक है ना, खास तौर पर ये वाला ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप लोगों की जब सर्जरी की रोटेशंस और वार्ड शुरू होंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हमने आज जॉन्डिस पढ़ना है और वो भी सर्जरी के रेफरेंस से, कि आपका हर दूसरा पेशेंट आपको इसी के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, हर दूसरा पेशेंट, और उसके साथ आपको ये टॉपिक कम से कम देखना 3-4 दफा वो पढ़ाएंगे, 3-4 मुख्तलिफ दिनों में 3-4 दफा आपको ये टॉपिक लाजमी पढ़ाएंगे। उसकी वजह ये होती है कि जो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट और इतना कॉमन होता है वो आपको लाजमी अच्छे से आना चाहिए। और भी मैं इसमें आपको बहुत सारी ऐसी टर्म्स बताऊंगी जो मेरी तरफ से मैं आपको पहली दफा बता रही हूँ, लाइक ERCP, MRCP वगैरह। मैं अभी आपको वो सारी डिटेल में बताऊंगी कि जितनी आप लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन आगे जब मैं दोबारा गॉल ब्लैडर में वो टर्म्स इस्तेमाल करूंगी तो मैं डिटेल्स नहीं दूंगी। इस वजह से आप लाजमी उनको एक दफा समझ लेना, है बहुत ही आसान, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये कि जरा सा जहन में बिठाने वाली बातें होती है, ठीक है। और आधी बातें तो आपको पहले से आती हैं, तो हम लिवर से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हमारा टॉपिक आज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का है, तो जरा सा लिवर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सर्जरी में अगर आपको एनाटॉमी नहीं आती ना तो आपको कुछ भी नहीं आता। मैं कहूंगी कि एनाटॉमी बहुत जरूरी है, कोशिश किया करें थोड़ी सी खुद भी देख लिया करें, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी सी जितनी जरूरत होती है तो लाजमी रिवाइज करा दूंगी। अच्छा, लिवर सबको पता है ग्लिसन्स कैप्सूल में इंक्लोज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत सारे फंक्शन है, पुरानी बातें छोड़ देते हैं। हमें बात करते हैं कि लिवर को हमने फंक्शनल 8 सेगमेंट्स में ग्रॉसली डिवाइड किया हुआ, ठीक है। पहले आप पढ़ते थे लिवर की हिस्टोलॉजिकल पिक्चर, याद है आपने पिछले साल पढ़ी थी कि लिवर के इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स हमने हिस्टोलॉजी पे बनाए हुए हैं, और हर सेगमेंट ये जो इस तरह का होता है इसके कोने पे एक ट्रायड होता है। ट्रायड में हमारे पास होती है पोर्टल वेन होती है, बिलरी बाइल डक्ट होती है, और उसके साथ एक हिपेटिक आर्टरी होती है, ठीक है। आपको अच्छे से बताए कि लिवर में जो मेजर आर्टरी का ब्लड सप्लाई करती है वो हिपेटिक आर्टरी है, लेकिन हिपेटिक आर्टरी लिवर के टोटल ब्लड सप्लाई में से सिर्फ 20% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, बाकी सारा लिवर का जो ब्लड सप्लाई होता है वो पोर्टल वेन के थ्रू होता है। उसकी वजह क्या है, लिवर के फंक्शंस बहुत ज्यादा है और हमारे पास पोर्टल वेन आ रही होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और इंटेस्टिन वाले एरिया से, ठीक है, क्योंकि पोर्टल वेन के ब्लड में ना न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हिपेटिक आर्टरी में ऑक्सीजन होता है, ये तो पोर्टल वेन तो वीनस ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला पोर्टल वेन जब ब्लड लेके आ रही है आपकी इंटेस्टिन से और लिवर में आ रही है तो ये बहुत हाईली न्यूट्रिशियस ब्लड होता है और लिवर को इसकी जरूरत होती है, और 80% सप्लाई आपकी पोर्टल वेन से आ रही होती है। ये बात इससे बहुत जरूरी है कि आपसे ये पूछते होते हैं वाइवा में, नहीं आएगी तो आपको फेल कर देंगे, इतनी सादी सी बात है ये, ठीक है। तो ये दोनों आपकी ब्लड सप्लाई आगे लिवर की, और बाइल डक्ट आपको पता है कि हमारे पास जाहिर है बाइल इज अ फंक्शन, बाइल प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लिवर, तो ये आपका ट्रायड हर कोने पे इस सेगमेंट के प्रेजेंट होता था और सेंट्रल में होती थी हिपेटिक वेन। हिपेटिक वेन जो है वो लिवर का ब्लड ड्रेन करके इंफीरियर वेना कैवा में ट्रांसफर करती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये तो होगी थी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर, अब आ जाते हैं जरा ग्रॉस पे, हमारा ताल्लुक ज्यादा ग्रॉस एनाटॉमी से। इस वक्त हमारे पास इसकी डिविजन हुई हुई है 8 फंक्शनल सेगमेंट्स में। ये जो आपकी हिपेटिक वेन है ना, मैंने आपसे क्या कहा है कि लिवर में जो ब्लड आ रहा है वो पोर्टल वेन और हिपेटिक आर्टरी के थ्रू आ रहा है, ठीक है। ये लिवर की ब्लड सप्लाई है और लिवर का ब्लड जो ड्रेन हो रहा है वो हिपेटिक वेन के थ्रू हो रहा है। हिपेटिक वेन की 3 ब्रांचेस होती है, मिडल हिपेटिक वेन, उसके बाद आती है आपकी राइट हिपेटिक वेन एंड लेफ्ट हिपेटिक वेन, ठीक है। ये 3 इसकी ब्रांचेस होती है छोटी, और ये तीनों मिलके आपकी कॉमन हिपेटिक वेन बनाती है, कॉमन हिपेटिक वेन फिर जाके इन्फीरियर वेना कैवा में ड्रेन हो जाती है, ठीक हो गया। जो हमारे पास मिडल हिपेटिक वेन है वो ऑलमोस्ट सेंटर में होती है, राइट वाली राइट पे इस तरह आती है, लेफ्ट वाली लेफ्ट पे, इसकी वजह से हमारे पास लिवर कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले आप बात करते हैं कि हमारे पास ये जो मिडल हिपेटिक वेन है इसकी वजह से लिवर के 2 फंक्शनल सेगमेंट्स बन गए, सारे फंक्शनल है, इसमें से कोई ऐसा नहीं कि एनाटॉमिकली लिवर डिवाइड नहीं हुआ हुआ। एनाटॉमिकल का मतलब होता है कि लिवर के बकायदा टुकड़े बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लिवर एक ही जैसा है, सिर्फ ऊपर से जहां वेन गुजर रही है वहां से हमने कह दिया कि उससे राइट तरफ लिवर का सारा राइट सेगमेंट है और लेफ्ट साइड पे सारा लेफ्ट सेगमेंट है, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट 2 हो गए। उसके बाद ये तो मिडल थी, ठीक है, मिडल हिपेटिक वेन, दिस इज योर लेफ्ट हिपेटिक वेन एंड दिस इज योर राइट हिपेटिक वेन। जो लेफ्ट हिपेटिक वेन है उसकी वजह से एक सेगमेंट ये बन गया और एक ये बन गया। उसके बाद हमारे पास जो राइट है हिपेटिक वेन है उसकी वजह से एक सेगमेंट ये और एक ये बन गया। अभी मैंने कहा 8 सेगमेंट, ये 8 तो नहीं बने तो 4 बने। फिर हमारे पास क्या होता है कि पोर्टल वेन अपनी एंट्री मारती है, ठीक है। जाहिर पोर्टल वेन कहती है कि भाई मैं इतना सारा काम मैं भी कर रही हूँ कि मैं ब्लड लेके आ रही हूँ लिवर के पास, तो मेरा तो काम होना चाहिए। पोर्टल वेन ना इधर आती है और लिवर को इस तरह वो रन करती है, ठीक है, ऐसे इस तरह रन करने की वजह से हमें कहते हैं कि ये लिवर को अपर और लोअर लोब्स में डिवाइड कर देती है, और उसकी वजह से आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेगमेंट्स बन गए, दैट्स इट। तो हमारे जो वर्टिकल डिवीजन होती है वो हिपेटिक वेन की वजह से होती है और जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है वो पोर्टल वेन की वजह से होती है। एंड रिमेम्बर कि पोर्टल वेन ब्लड लेके आ रही है और हिपेटिक वेन ब्लड यहां से लेके जाएगी।
अच्छा जी, अब इसको जो नाम दिया गया है इन सेगमेंट्स को, वो इनके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बस नाम दे दिया एक साइंटिस्ट ने, और वो जिस तरह से कि हमारे पास जो फर्स्ट सेगमेंट था ना, वो इस जगह सामने आपको नजर नहीं आ रहा था, वो इस साइड पे पीछे होता है, उसको कहते हैं कॉर्डेट लोब। वो बहुत स्पेशल इस वजह से क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे करके होता है, और उसका ब्लड कभी कभी डायरेक्टली इन्फीरियर वेन कैवा में ड्रेन हो रहा होता है, मतलब वो हिपेटिक वेन का भी लिहाज नहीं करता, तो इसलिए वो लोब हमने फर्स्ट दे दिया है, फर्स्ट सेगमेंट था कॉर्डेट लोब। ठीक है, उसके बाद ये हमारा सेकेंड सेगमेंट है, यहां से राइट लेफ्ट साइड से हमने शुरू किया और क्लॉक वाइज। ठीक है, सेकेंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, और ये फोर्थ के दो पार्ट्स है, 4A और 4B। ठीक होगी बात आपकी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाली साइड, यानी हमारी राइट साइड, इसको भी आप इसी तरह लेके चलेंगे, आपका ये आ जाएगा फिफ्थ सेगमेंट, सिक्स सेगमेंट, 7 और 8। तो यू करके आपने डायरेक्शन अपनी क्लॉकवाइज रख लेंगे और आप बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके लिवर के ये हो गए हमारे एनाटॉमिकल सेगमेंट्स। ये बात भी आपसे पूछते होते हैं वाइवा में, ये बहुत सिंपल सी बात है, सर्जरी वालों को पसंद है पूछना, तो आपने इसको याद रखना। ठीक है, अब लिवर के फंक्शंस बहुत सारे आप देख लेना, उनको याद ही रखने वाली बात है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, नो स्टार्टिंग विद द जॉन्डिस, तो आपको पता है कि आप सबसे पहले आपने डेफिनेशन ना कभी भी गलत नहीं बोलनी होती, ये बात तो आप लाजमी याद रख लेना। तो जब भी आपसे कोई जॉन्डिस की डेफिनेशन पूछे ना, तो येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा, ठीक है, इज कॉल्ड जॉन्डिस। आपको पता है अरकान हम इसको उर्दू में कहते हैं नॉर्मली, लेकिन जॉन्डिस बेसिकली जो टर्म है ना, वो आपका एक सिम्टम या साइन हम इसको कहते हैं, ये डिजीज नहीं होती। जब भी किसी पेशेंट की आंखें और स्क्लेरा, ठीक है, स्क्लेरा किसका, आंखों का जो स्क्लेरा होता है वो, और उसके साथ साथ जो उसकी स्किन है, स्किन और स्क्लेरा दोनों चीजें येलो हो जाती हैं, उसको हम जॉन्डिस कहते हैं। और अक्सर कहा आपका 90% जॉन्डिस आपका कोई देखने वाला ही डायग्नोज करता है कि देखो तुम्हारी आंखें पीली हो रही हैं, तुम्हारी जिल्द क्यों इतनी पीली लग रही है। तो पीली का लफ्ज और पेल के लफ्ज को आपने लाजमी डिफ्रेंशिएट करना, मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था, पेल हम एनीमिया के लोगों में होता है, वो पीलाहट नहीं होती, वो रंग फक हो जाना होता है। ठीक है, जो पेल रंग होता है ना, वो होता है रंग फक हो जाना, जो एनीमिया में होता है या और शॉक कंडीशन में होता है, या आप स्ट्रेस लेते हैं तो हो जाता है। येलोनेस होती है, जो वो होती है आपके जॉन्डिस में, तो येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा। अब आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि यहाँ गॉल ब्लैडर भी पड़ा हुआ होता है लिवर के पीछे, हमने भी पढ़ा था कैसे होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है, और गॉल ब्लैडर से निकल रही होती है एक डक्ट जिसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट, ऐसा ही है। ठीक है, यहां हमारे पास लिवर से आ रही होती है राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक हो गया। जब सिस्टिक डक्ट राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से जुड़ती है, तो यहां पर बन जाती है आपकी कॉमन बाइल डक्ट, CVD जिसको कहते हैं, आपने अक्सर सर्जरी में सुना होगा। ठीक है, गॉल ब्लैडर से आई सिस्टिक और लिवर से आई राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों मिलकर बन गई कॉमन बाइल डक्ट। जब ये कॉमन बाइल डक्ट यहां पर जा रही होती है, तो फिर पेनक्रियाज का दिल करता है कि भाई ये अकेले क्यों जा रही है, मैं भी तो कुछ करूं, यहां पड़ा होता है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से डक्ट आ जाती है पेनक्रियाटिक डक्ट, और वो आके ये पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, वो आके इसके साथ इधर ज्वाइन कर जाती है, और ये दोनों मिलके इस जगह पर आकर ड्यूडनम में, ये सपोज हमारा ड्यूडनम है, ठीक है, ड्यूडनम में आके ड्रेन कर जाते हैं, और इसको हम कहते हैं किसके जरिए ड्रेन करते हैं, जिस सुराख को ड्रेन करते हैं उसको हम कहते हैं एम्पुला ऑफ विटर, और जो यहाँ पर स्फिंक्टर होता है, जो इस एम्पुला इस सुराख का नाम है, और जहां पर जो स्फिंक्टर होता है जिसको गाइड करते हैं उसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। सारी पुरानी बातें मैं रिवाइज करा रही हूँ। ये जो बिलरी ट्री है ना पूरा, जिसमें आपको दिखाया, बिलरी ट्री में ना छोटी छोटी बाइल डक्ट्स भी शामिल होती है, तो मैंने आपको सारी मेजर वाली बताई है, इसको आपने याद रखना है, ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सर्जरी में, आपकी बहुत सारी डिजीजेस में। ठीक है, तो यहां पर से जो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स हैं, जाहिर सी बात है ये भी आपका लिवर में से बहुत सारी चीजें लेके आ रही होती है। गॉल ब्लैडर से आपका क्या आ रहा है, गॉल ब्लैडर में आपकी बाइल स्टोर्ड है वो आ रही है, और पेनक्रियाटिक डक्ट से आपका पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं हमारे। अच्छा, इस बिलरी ट्री को बताने का मकसद ये था ना कि हमारे पास जो हमारा, अगर ये पर पूरे ट्री में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी कहीं पर ऐसी कि यहां से जो बाइल आ रही है वो फ्लो करके ड्यूडिनम तक ना जा सके, तो डेफिनेट सी बात है कि क्या होगा कि हमारे पास यहां पर बाइल का स्टेसिस होने लग जाएगा, और जब बाइल का स्टेसिस होगा तो बाइल में हमारे पास एक बहुत मेजर जो चीज होती है वो बिलिरुबिन होती है, वो बिलिरुबिन बॉडी से निकल नहीं सकेगा, तो वो वापस ब्लड में जाने लग जाएगा। ब्लड में जब ज्यादा बिलिरुबिन हो जाएगा, तो बिलिरुबिन बेसिकली कर देता है येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा, दैट इज कॉल्ड जॉन्डिस। ठीक है, तो येलो डिस्कलरेशन होती है किसी वजह से, बिलिरुबिन की वजह से, विच इज अ पिगमेंट, ठीक है, जो बाइल में प्रेजेंट होता है। अब वो बिलिरुबिन बनता कैसे है, ये सारी पुरानी बातें कि वो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन से बनता है, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगी, सारा मेडिसिन का टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद वो बनने के बाद आपको मोटा मोटा से याद करा देती हूँ, उसके बनने के टाइम पे अगर कोई मसला होगा लिवर में आने से पहले, अगर बिलिरुबिन यानी एक्सेस में अगर बनने लग गया, एक्सेस में कब बनेगा, जब आरबीसी की ब्रेकडाउन ज्यादा होगी, तो उस तरह के हम जॉन्डिस को कहते हैं प्री हिपेटिक जॉन्डिस, जिसमें हमारे पास
लिवर में कोई मसला नहीं है, लिवर से आगे कोई मसला नहीं है, लेकिन बिलिरुबिन के बनने में मसले कि वो जरूरत से ज्यादा बनने लग गए, ठीक है। तो वो बहरहाल आपके लिवर से पहले वाला होता है प्री हेपेटिक जोन, इसमें डिटेल में नहीं जा रही। फिर अगर आपके लिवर के अंदर मसला है कि लिवर उस जब आपके बिलिरुबिन ने करना क्या होता है ना कि वो बन जाता है ना जब, तो वो होता है वाटर सोल्युबल फॉर्म में नहीं होता, वो हमारे पास प्रोटीन के साथ बाउंड होके आ जाते हैं हमारे लिवर के पास। लिवर के पास जब आता है तो लिवर उसको कॉन्जुगेट कर देते हैं इंटू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जब बन जाता है ना तो ये हमारे पास अब होता है वाटर सोल्युबल, तो ये क्या करता है लिवर इसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करके बाइल कैनेरिकुलाई में भेज देता है। बाइल कैनेरिकुलाई से अब मर्जी है इसकी कि या तो ये स्टोर होके चला जाएगा गॉल ब्लैडर में और बाइल की फॉर्म में बाइल के साथ स्टोर हो जाएगा, नहीं स्टोर होना होगा तो डायरेक्ट इन बाइल कैनेरिकुलाई से आके कॉमन बाइल डक्ट में आएगा और जाके ड्यूडेनम में चला जाएगा, ठीक है। ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, और ड्यूडेनम में आगे इसके साथ और जो कुछ होता है वो हम बाद में देखेंगे, यूरोबाइलिरुजिन बनता है, स्ट्रेकोबाइलिरुजिन बनता है, एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन होती है वगैरह। अगर हमारे पास लिवर में कोई मसला, यानी पेशेंट को लिवर सिरोसिस है सपोज करते हैं, यानी लिवर के सेल्स ही फंक्शन नहीं कर रहे, तो लिवर में कॉन्जुगेशन ही नहीं होगी बिलिरुबिन की, कॉन्जुगेशन नहीं होगी तो बिलिरुबिन आगे जाएगा ही नहीं, मतलब वो बिलरी कैनेरिकुलाई में ही नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो वापस ब्लड में जाएगा, उसकी वजह से भी जॉन्डिस हो जाएगा, उसको हम कहते हैं इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस, के लिवर के अंदर कोई मसला था, लिवर ने कॉन्जुगेट ही नहीं किया। अच्छा, और भी इसकी कॉजेज हो सकती है, सिर्फ यही एक मसला नहीं, लेकिन ये भी मेडिसिन का टॉपिक है। हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमारे पास बिलिरुबिन आया था लिवर के पास, लिवर ने उसको कॉन्जुगेट भी किया, लिवर ने उसको बाइल में भेज भी दिया, लेकिन वो यहां से आगे इधर तक नहीं जा सका, यहीं पर रुक गया। यहां पर क्यों रुका, हो सकता है इधर स्टोन पड़ी हुई हो इतनी बड़ी, उसने आगे नहीं जाने दिया। अब ये वाला जो जॉन्डिस है ये सर्जरी वाले डील करते हैं, और क्योंकि ये आफ्टर लिवर शुरू हुआ है, मतलब लिवर का फंक्शन तो इधर तक आगे खत्म हो गया था कि कॉन्जुगेशन करनी है, उसके बाद ये बाइल डक्ट वगैरह का फंक्शन था, इसलिए इसको हम कहते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, क्योंकि रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट ओनली ड्यू टू स्टोन, ऑब्स्ट्रक्शन के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, वो आगे आगे बताती हूँ लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि ये हमारे पास सिर्फ वो जॉन्डिस है जो हम सर्जरी में पढ़ते हैं। जब भी आपसे कोई पूछेगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की डेफिनेशन, लिख ले मेरे पास कि कभी आपने ये कहा ना कि जॉन्डिस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बिलरी ट्री इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस पे भी वो आपको बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं करेंगे, और यकीनन थोड़ा बहुत डांट ही देंगे कि इतनी कॉमन डिजीज थी, इसकी भी डेफिनेशन आपको नहीं आई, मतलब इतना कॉमन सा सिम्टम है। बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस डिजीज तो नहीं है, डिजीज तो होती कोई और है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी होती है, लेकिन आपको इसके एटलीस्ट डेफिनेशन बिल्कुल सही वाली जरूर आनी चाहिए। और इसकी जो बिल्कुल सही वाली डेफिनेशन, उसमें आपने एक लफ्ज और लाजमी डालना, दैट इज कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, ठीक है। ये जो मैं बता रही हूँ आपको, कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द बिलरी चैनल्स। अब इसका क्या मकसद है जी, ये अब आप लिख ले, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन इन बिलरी चैनल्स। कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया इस वजह से क्योंकि मैंने भी आपसे कहा कि लिवर में आकर हमारा जो बिलिरुबिन है उसने कॉन्जुगेट होना है। प्री हेपेटिक जॉन्डिस में हमारे पास कॉन्जुगेशन में कोई मसला नहीं था, लिवर ठीक था, बिलिरुबिन ज्यादा बन रहा था। इंट्रा हेपेटिक जॉन्डिस में लिवर खुद खराब है और वो कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा, ठीक है। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में लिवर बिल्कुल ठीक है, लिवर कॉन्जुगेट कर रहा है, पीछे से बिलिरुबिन आता है, लिवर उस बेचारे को सारे बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट करते हैं, कॉन्जुगेट करके आगे भेजते हैं, आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो जाहिर सी बात है जब हमारे पास आगे ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमारा जितना भी बिलिरुबिन होगा वो सारा कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होगा, ये सारी पुरानी बातें हैं। तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल जब जो जाहिर है आगे नहीं जा सकेगा तो पीछे ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा तो ब्लड में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो गया पेशेंट को। क्यों हुआ, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन इन बिलरी चैनल्स है। अब आपने कभी भी ये नहीं कहना ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट, क्योंकि बाइल डक्ट तो एक बड़ी सिंपल सी टर्म है जो आपकी ज्यादा कॉमन बाइल डक्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन बिलरी चैनल में कहीं भी हो सकती है, हो सकता है इस जगह पर कि किसी छोटे बिलरी चैनल में हो सकता है, सिस्टिक डक्ट में हो, ये सारी की सारी आपकी इसी के अंडर आती है, ठीक है। तो आपने ये डेफिनेशन बिल्कुल यही रखनी है। अगले पार्ट में इसको कंटिन्यू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से सुनना है आपने, किसी कोई मसला हो ना आसमी। थैंक यू।